नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल घरेलू शिक्षा में। आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, गैस चूल्हा जो होता है वो बहुत कम जलता है, उसे आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, गैस को ऑन करके देखिए कि चूल्हा जो है, देख सकते हैं ये फुल में रखा हूँ, उसके बावजूद भी ये बहुत ही कम जल रहा है। और मैं यहाँ पर एक और चूल्हा है उसे आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो है अच्छे से जल रहा है, और ये जो है चूल्हा है वो बिल्कुल लो जल रहा है दोस्तों। फुल में तो है लेकिन बिल्कुल लो जल रहा है, और ये चलते चलते बंद भी हो जाते हैं। तो इसे आप घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम होता है ये क्या प्रॉब्लम की वजह से इस प्रकार से होते हैं। एक चूल्हा तो सही जल रहा है लेकिन एक चूल्हा जो है बिल्कुल स्लो चल रहा है, और ये चलते चलते बंद भी हो जाते हैं। तो इसे आप बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों, जिसको आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। उनके लिए हमको सबसे पहले तो गैस को बंद कर देना है। हम यहाँ पर गैस को बंद कर लेंगे, और ये जो रेगुलेटर है उसे भी हम यहाँ से निकाल देंगे, और चूल्हा को अलग से हम निकाल लेते हैं। चूल्हा को निकालने के बाद ये दोनों बर्नर है उसे हम निकाल लेते हैं, स्टेन को यहाँ से हम निकाल लेते हैं, और ये जो गैस चूल्हा है उसे हमको पलट लेना है इस तरीके से। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों तो दो नट हमको देखने को मिल जाएगा, जिसको हमको रिमूव करना है। आप चाहे तो प्लायर का भी यहाँ यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हमको रिमूव करना है ये दोनों नट को, तो ये हमारा जो खुल जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसमें हमको ऑयल डाल देना है। ये क्या है, जंग लग जाता है इसके वजह से खुलता नहीं है, तो इसमें हम ऑयल डाल दिए हैं। और ये जो चूल्हा है देखिए, इसको हमने खोल लिए हैं, इसमें जितना भी कचरा है उसको आपको अच्छे से साफ कर लेना है, अंदर को भी अच्छे से साफ करना है। आपके पास जो भी सामान है, पेचकस है तो पेचकस के जरिए इसको अच्छे से साफ कर सकते हैं, या टूथब्रश से भी ये अच्छे से साफ हो जाता है। इसको अच्छे से आपको साफ कर लेना है, इसमें जितना भी कचरा है उसको। मैं इसे खोलता हूँ, ये देखिए ये भी खुल गया, इसको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे, जितना भी कचरा है वो इसी में रहता है, क्योंकि हम जब भी खाना वगैरह बनाते हैं तो इसी में गिर जाते हैं, वो जो रहता है उसको हमको यहाँ से साफ कर लेना है, अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो ये हम साफ कर लिए। उसके बाद जो हमको साफ करना है दोस्तों, इसका जो होता है नोजल, जहाँ से हमारा गैस निकलता है उसको हमको अच्छे से साफ करना है। क्या होता है, ये नोजल में कचरा आने की वजह से गैस जो है यहाँ से निकलता नहीं है, तो ये नोजल को हमको अच्छे से साफ करना है। देखिए ये दोनों नोजल को अच्छे से साफ करना है, उसके लिए हमको लेना है पिन, या आप सुई का मदद ले सकते हैं इसके लिए। तो हमने सुई ले लिए हैं, पतला सा सुई लेना है इसके लिए, और इसका जो छेद रहता है वो ज़्यादा अंदर तक सुई नहीं जाता है दोस्तों, हल्का सा ही जाएगा, और आपको अच्छे से साफ कर लेना है बार बार सुई को डालकर यहीं से, क्योंकि हमारा जो गैस है वो बाहर आता है, तो इनको आपको अच्छे से साफ करना है। नोजल को, दोनों तरफ के नोजल को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। नोजल में कचड़ा आने के वजह से गैस जो है अच्छे से निकलता नहीं है, उसके वजह से जो हमारा लो फ्लेम का जो प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ से हम इसको अच्छे से साफ करेंगे। आपको पतला सा सुई या पिन का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने नोजल को अच्छे से साफ कर लिए,
उसके बाद यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। बस इतना ही करना है दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका जो गैस चूल्हा है वो पहले से काफ़ी हद तक का अच्छा जलने लग जाएगा। इन दोनों को अगर आप साफ कर लेते हैं तो देखिए मैं इस तरीके से इसे फिट कर देता हूँ। स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है, बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है, सावधानी पूर्वक इसे करना है। और एक बार इसे प्लायर से भी हमको अच्छे से टाइट कर देना है। तो देखिए ये जो है हमारा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम बर्नर को लगा देंगे और इसे मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए चलता हूँ किचन में और यहाँ पर देखिए मैंने ऑन किया और यहाँ पर लाइटर, अब आप देख सकते हैं इसका लौ को पहले कैसे जल रहा था और अभी देख सकते हैं आप इसका लौ काफ़ी बढ़ चुका है। मैं ये चूल्हा भी जला के दिखा देता हूँ। देखिए पहले से दोनों चूल्हा का जो लौ है वो बढ़ चुका है, अच्छे से जलने लग गया है। तो इसी प्रकार से आप घर पर ही अपना चूल्हा को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल घरेलू शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।